वो प्रेसिडेंट थे आई एंजॉयड पीटीवी थरली एंड दे ट्रस्टेड मी असल मैन खुशाह मदीद मेरे पास माइक है कि एक ज़बरदस्त से एक्साइटिंग से सेगमेंट में मुझे कहते हैं अम्म गुल और यकी आप सब ठीक होंगे खैरियत से होंगे खुशबाश होंगे और अगर खुदा ना खास्ता नहीं है तो मैं दुआ करूंगा जी कि आप लोग बिल्कुल से अच्छे हो जाएँ ठीक हो जाएँ और आज मैं हमेशा ये जिक्र करता हूँ तस्करा करता हूँ कि जी आज के मेहमान बहुत खास हैं आज के मेहमान से मेरी बड़ी कुछ अच्छा एक रब्त है ताल्लुक है एक उनत बहुत ज़्यादा है लेकिन आज वाकई अलफा जो है ना थोड़े से वो बुखलाए हुए हैं और थोड़ा सा वो है कि मैं घबराहट का भी शिकार हूँ शायद ये डायलॉग्स भी आपने सुने होंगे लेकिन कुछ जनवनली जो एक चीज़ें फ़ील करनी है ना वो वाकई आज मुझे महसूस हो रही हैं कि गूसबम्ब वाली कैफियत हो रही है अब वो जब मैं तारुफ़ करवाऊँगा और यकीन आप लोगों से भी आ, मतलब है कि वो क्या कहते हैं कि आप रूबरू होंगे कैमरे के थ्रू तो फिर आपको समझ आएगी कि भाई इस टाइम मेरे अंदर की जो कैफियत है वो क्या है अब आप लोगों ने बेशुमार उनके वो कहते हैं के तार्फ सुने तो हैं जिसमें ऑबियसली पाइनियर्स कंटेंट क्रिएशन में एंड डेफिनेटली आप उनको प्रोड्यूसर के हवाले से भी जानते हैं प्रोडक्शन की फील्ड में क्या कमाल उन्होंने किए आप एज अ डायरेक्टर आप उनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं लेकिन मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसे भी कुछ टाइटल्स जो हैं मैं स्पेशली उनके साथ मंसूब करूँ कि जो कि वाकई मेरा ख्याल है शायद उन्हीं के लिए हैं अगर मैं उनको इन अल्फाज में मतलब पुकारूं कि वो जनाब द मैन ऑफ करेज हैं तो इसमें बिल्कुल कोई वो कहते हैं गलत बात नहीं होगी क्योंकि बेशुमार लाइफ में ऐसे हर्डल्स आई मुश्किल आई चैलेंजेस आए वो चाहे उनके प्रोफेशनल करियर में हो या चाहे पर्सनल लाइफ में हो बहुत ही खूबसूरती के साथ एक मतलब एक, खुश दिली और जिंदा दिली के साथ उन्होंने उन चीजों से ऐसे वो गुजरे हैं के क्या कहने अगर मैं उनको ये कहूँ कि ही इज़ द मैन ऑफ मेरिकल तो ये भी गलत नहीं होगा क्योंकि ऐसी ऐसी बड़ी हस्तियों को आ, बड़े पर्दे से टेलीविजन तक लेके आने में जो सेरा इनको जाता है वो बड़े से बड़े लोग नहीं कर पाए और उसके बाद भी नहीं कर सके लेकिन जिन शख्सियात को वो लेकर आए टेलीविज़न तक मैं कहता हूँ उसका कोई मुकाबला मिलता नहीं है तो इसी के साथ साथ अगर मैं ये कहूँ मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई भी, भी थी मैंने कहा कुछ मुझसे स्किप ना हो जाए द मैन ऑफ एक्सीलेंस क्योंकि जो भी अगर आपने उनकी चीज़ देखी हो वो चाहे पीटीवी का तरह हो या चाहे कोई कोई टेलीफिल्म हो या चाहे अवार्ड फन्स हो या चाहे कुछ भी ऐस, आ, उस दौर की कोई ऐसी आप कह लीजिए कि खास चीज़ जो कि उस वक्त की टेलीविजन स्क्रीनस की शान कहलाई जाती थी उसमें उनकी उन्हीं का अमल दखल है और उन्हीं को आ, उस सारी क्रिएशन का सहरा जाता है तो बगैर देर की ये देर तो वैसे काफ़ी होगी क्योंकि माशा ये तारो जो है अभी तवील चलता ही रहेगा मेरा दिल नहीं कह रहा कि मैं इसको रुकूँ एक चीज़ जो खास मैंशन करनी बहुत ज़रूरी है कि ही इज़ माशा अवॉर्डेड द प्रेसिडेंट प्राइड ऑफ परफॉर्मर्स एवॉर्ड जो कि उनको पा पाकिस्तान टेलीविजन के लिए जो ख़िदमत उन्होंने दी उस हवाले से उनको दिया गया तो बहुत सारे लोग अब बिल्कुल समझ चुके होंगे तो बगैर जनाब किसी मज़ीद सस्पेंस के मैं खुशा आमदीद कहूँगा मेरे साथ मौजूद हैं द लिविंग लैजेंड द जनरल अप

ऐसी यादें हैं कि यकीन कीजिए कि जब आप सुनेंगे और अभी आप देख भी रहे हैं तो आप ना चाहते हुए भी कहेंगे कि यार क्या बात है और वो जो लुत्फ आपको आएगा इनकी ज़बानी, वो कहानी सुनने का उसके भी क्या ही कहने बहुत सारे लोग इस टाइम जो हमें पॉडकास्ट वराइटी चैनल के ऊपर देख रहे हैं आप लोग प्लीज यूट्यूब के चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए सोशल मीडिया के ऊपर आपका फीडबैक दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अस क्योंकि वो हमारे लिए एक तरह से एक ताजा हवा का झोंका होता है एंड नाव आप डेफिनेटली के टेलीविजन की स्क्रीन के ऊपर भी इस पॉडकास्ट को देख हैं तो आप सबका जनाब बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब माशा हम आज मैं चाह रहा कि हम शुरुआती दौर से स्टार्ट करते हैं अमूमन कि हम बात करते हैं कि जनाब जैसे 1970s में आपने एज ए डायरेक्टर एज अ प्रोड्यूसर ज्वाइन किया एंड फिर डायरेक्टर प्रोग्राम्स तक का सफर वो कैसा रहा लेकिन मैं चाहूंगा हम जरा आज इसको रिवर्स करें अच्छा। और मैं पूछना चाहूंगा कि सर आजकल कल अभी रिसेंट टाइम्स में मैंने सुना है कि कोई बहुत ही शानदार किस्म का प्रोजेक्ट जो है आप करने वाले हैं जिसकी डिटेल्स के लिए मैं ख़ुद बड़ा बेचैन बेकरार बेकरारो बेताब हूँ लेकिन अभी ख्वाजा साहब ना वो टीज़ कर रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि अभी मैं जनाब ये टीज़र तुम लोगों को दूंगा अभी बिल्कुल सस्पेंस जो है मैं नहीं इसको आउट करूँगा लेकिन मैं चाहूँगा कि ज़रूर आप जितने भी लोग हैं उनसे थोड़ा सा कुछ इस हवाले से शेयर कीजिए देखिए पी में मैं अभी जो क्वार्टर गुजरा है उसमें मैंने दो शोज़ किए ट्रेवलिंग ट्यून्स ऑफ पाकिस्तान जो पाकिस्तान का फोक Uh, when you go from Pak-China border to Silk Route, along the Silk Route मैंने सारा किया, और छः महीने में I was there, और by road हम गए, और uh, from Pak-China border to Hunza, to Gilgit, to Baltistan, and then of course Chitral and Gil uh, उससे इलावा KPK uh, Chitral के -के, उसके इलावा एक और जो वहाँ पे बीच में आता है उस ज़माने में उनका वो हो रहा था annual होता है uh, कैलाश कैलाश लवली प्लेस इंडिट्स मैंने कोई जगह नहीं देखी अभी तक आ, मैं आपको बताता चलूं कि हमारा टेलीविजन में फिल्म डिवीजन एक सेल बना है और वहाँ पे मैडम नरीता है जो कंट्रोलर हैं उन्होंने मुझे एक दिन बुलाया शी सेट के हम चाहते हैं फिल्म करनी तो मैंने कहा जी मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं सिनेमा में क्योंकि 50 पचास, साल दिस इज़ ऑलमोस्ट माय 50 इयर्स इन टेलीविजन माशा पचास सेवेंटी फोर में मैंने ज्वाइन किया था तो लगता है कल की बात है क्योंकि इतना कुछ मैं कर डाला आई वाज अ ट्रेनर आल्सो सर माशाल्लाह आपकी पेरेंट्स देख के तो वाकई लगता है कि शायद कल ही की बात है लेकिन <laughs> कहना वही कहना कि भाई वो बहुत सारे मतलब मेरे जैसे लोगों के लिए तो आप एक मोटिवेशन अच्छा मत उससे बात करेंगे तो मैं अपने बारे में बताऊँ कि मैं चूँकि मेरा ताल्लुक पहाड़ों से पहाड़ों से मुराद है कि मेरे वालद जो हैं वो श्रीनगर से माशा मेरी वालदा शिमले से हैं तो ये सोलह हज़ार फुट की बुलंदियों पर हम लोग रहने वाले हैं तो लिहाजा अगर पाँचवीं लिफ्ट उस पर जाना हो ना स्टोरी में तो मैं कभी आई डोंट यूज लिफ्ट मैं सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाता हूँ इतनी आदत हो गई हुई है पैदल चलने की और वेज आप देखें मेरा वजन भी नहीं बढ़ा इतने काश मैंने भी सीढ़ियाँ चढ़ी होती नहीं कि मैं आप ज़रूर इंशाल्लाह श्री सीढ़ियाँ छोड़ूंगा अच्छा जी अब फिर उन्होंने मुझे बुलाया मैडम नरीता ने एंड शी सेट के जी लेट्स डू सम फिल्म तो मैंने कहा जी फिर एक ही मेरे जहन में आती कहती वो क्या मैंने कहा जी रेशमा हमारी जो सिंगर है वाह wow. कहती रेशमा मैंने कहा जी ऑफकोर्स देखें फ्रॉम लोहा एक छोटा सा गाँव है राजस्थान में इट्स अ वेरी स्मॉल प्लेस एंड शी इज फ्रॉम दे और मेहदी हसन साहब भी वहीं से हैं और इनका मेरे साथ मैंने इन्होंने मेरे साथ बहुत काम किया है अच्छा अब मैंने तो इनकी शुरू में जब ये गड़बी बजाती थी 62 में मैं फिल्म देख के कैपिटल से नीचे उतर रहता तो सकती थी बट आई हैव सीन हर पास्ट प्रेजेंट एंड ऑफ ऑफकोर्स अपटिल डेथ यू सी 2013 में जब ये इनका इंतकाल आई वॉज सिटिंग दैर सो मैंने उस दिन सोचा मैंने कहा जी मैं तो उन्हीं पर करूँगा चाहे कैसी फिल्म बने बनेगी जरूर अच्छी देखिए एक खातून हु वॉज फ्रॉम अ वेर लोहा एक छोटा सा गाँव है वहाँ से वो शहबाज कलंदर के मज़ार पर गा रही थी शहबाज का उनका वहाँ पर लाल मेरी पत रखी हो तो सलीम गिलानी साहब हमारे रेडियो के प्रोड्यूसर थे वो भी वहाँ पर कवरेज के लिए गए हुए थे तो उन्होंने इतनी ऊँची आवाज़ बगैर किसी माइक के सुनी वो उठ के गये टू सी हिंगिंग लाल मेरी पत इतनी ऊँची उन्हें इतनी अच्छी लगी आवाज दिस इज वे बैक इन 59 59 59 उन्होंने अपना कार्ड दिया कि मैं रेडियो में प्रोड्यूसर हूं कराची में और जब तुम दिल करे तुम आ जाना और मैं तुम्हारा प्रोग्राम बनाऊ किस्मत जब लड़ी हुई हो ना तो फिर दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती बिल्कुल अब जिस तरह मैंने अब ठानी हुई है कि मैंने रेशमा करना है मुझे <laughs> दुनिया की कोई ताकत अब रोक नहीं सकती इन शर तो मैं बड़ा एडमिनट एक काम जब मैं पढ़ जाऊँ ना पीछे तो उसके बाद अब जब मुझे लोगों को पता चला ना कि ये कर रहा है पी के लिए तो बहुत सारे लोग आगे एकदम पहले सोए होते हैं सारे उनको नहीं पता रेशमा कहो जब मैंने कहा जी मैंने करना है तो सारे आठ दस लोग तो फिर जाहिर है हमारे टेलीविजन के जो करता था उनका जी सॉरी ऑलरेडी वी आर डूइंग दिस और मैंने सोचा था फेस्टिवल में ये ऐसा जाए कि छोटी से गांव से लोहा से एक औरत जो है वो इतने बड़े बड़े प्रेस्टीजियस हॉल्स दुनिया भर के लंदन अमेरिका वहां परफॉर्म करी इट्स नॉट अ स्मॉल बिल्कुल मैं आपको एक और बात बताऊं देखें इससे कितने इंस्पायर्ड लोग हैं जब ये नई नई आई है रेडियो पे जब इसने हाय रब्बा गाया और आ, अपना वे मचोरी चोरी और कितने नैन ना जोड़ी अच्छा फिर दूसरा वो जो बॉबी में गाना राज कपूर ने इनका रिकॉर्ड किया था उर्दू में लता जी ने गाया अखियों को रहने दे अच्छा जब ये आई हैं सिक्सटी सेवेंटीज़ में इंडिया वाले तो पागल हो गए थे अच्छा और आ, मैंने तो शुरू किया था काम मैंने दोनों मेरा जो मेरी पसंद प्रोग्राम था पहले रेशमा का ब्लैक एंड वाइट भी, भी किया फिर मैंने कलर किया उषमा गिलानी होती थी उस ज़माने में बट आई एम डूइंग इन अ वेरी डिफरेंट वे आप देखेंगे बैक एंड फोर्थ इन टाइम्स आपको बड़ा अच्छा लगेगा इट्स अ न्यू स्टाइल जो बड़े लोगों को फिर फिर फेस्टिवल्स में भिजवाना होगा हमने सो इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट फिल्म इनशाला सर एंड लुकिंग फॉरवर्ड एंड ऑल द बेस्ट यू आपको कास्ट नहीं बताऊंगा इसलिए कि मैं sir, आउट नहीं कर अच्छा नहीं ये तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था बता नहीं रहे विद मी और वो भी बड़े अच्छा, मेरे से ज्यादा एक्साइटेड हो जाए उन्होंने लल लिया मैंने कहा जी अभी नहीं अभी अगर हमने पर्चा आउट कर दिया तो फौरन जो है ना वो हो जाएगा जब स्क्रीन पे धाड़ करके आएगी तो लोगों को खुद

पार्ट वन कर रहा था okay. तो ये सारी राजस्थानी दुपट्टे और वो ला के हाजिर जी इस करो ए सारे दुपट्टे पिछे ला दियो मेरे मैंने <laughs> वो लगाया <laughs> देखिएगा स्क्रीन पे अगर वो छोटा सा पोर्शन लगाए ना तो तमाम राजस्थानी दुपट्टे लगे में तो मैंने पूछा मैंने कहा रेशमा कैसा रहा तेरा कहें जी बड़ा चंग होई तो इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर सन तो उन्होंने मैं बुलाया अपने कार छोटा जहा कार एक काउंटर सा वो खुद बना रहे सन तो अपनी जीच किचन कैबिनेट जिसको हम कहते थोड़े से लोग थे उनको वो खुद सर्व कर रही थी तो मैं भी बह गई तो मैं क्या बीबी जी आप तो इतनी बिजी होते हैं तो क्यों ना मैं थोड़ा सा गा के उसने कर नहीं आज सारी रात तुझे मैं सुनूंगी रेशमा ख़ास तौर पर मैंने तुझे आज बुलाया हुआ और फिर उन्होंने कहा अपना हाथ दिखा अच्छा इन्होंने हाथ जब पकड़ाया यूं करके तो उन्होंने घड़ी उतारी उसमें से और इसके हाथ पे लगाई तो कहती मैं ऐसा देखिया मैं कि ऐसे क्यों लिखे बीबी जी उसने कहा इस पर लिखा है फ्रॉम वन वर्किंग वुमेन टू अनदर कितनी बड़ी बात बात है सर क्या अच्छी बात है मुझे तो अच्छी बिल्कुल लगी ये बात हम बे, बेशक उन, उनसे वो ना करें एग्री ना करें कई पॉइंट्स पे मगर ये तो बात अच्छी है कि उन, वो इतना प्यार करते। तो वेरी काइंड उन, बड़ा उन्होंने हाँ। उसका मतलब जी जी मैं बड़े वैसे बता रहा करेंड कैसी अच्छी बात बिकॉज एवरी वन लव्स रेशमा यूसी और बल्कि इसने कहा जब उन्होंने घड़ी बांधी इसने कहा देखें उन्नीस में बीबीजी में गई थी ना माँ तो अभी तक ना बत्ती है ना सड़क है बनी भी लोहा में Oh. उसे कहा वो भी बन जाएगी बाद में बनाई मगर सैतालीस साल उन्नीस सौ तिरासी और उन्नीस सौ <laughs> में कितने साल है जो गया लोहा गया। में सड़क नहीं बनी हुई थी ना वहां पे बिजली थी ओ माय गॉड लेकिन चलें खैर वही बात है कि माशा वहाँ से एक निकली हुई जवान लड़की और माशा टैलेंटेड लड़की जिसने फिर दुनिया पर राज किया और आज भी कर रही हैं और मैं समझता हूँ ख्वाजा साहब ये जो आप एक कमाल करने वाले हैं इन शाह हमारे पाकिस्तान में बेशुमार ऐसे लेजेंड्स हैं कि जिनकी ऐसी स्टोरीज़ हैं कि जो शायद उस तरह से लोगों को नजर ही नहीं आई पता ही नहीं चली और फिर ऐसे लोगों के थ्रू मतलब मैं कहूँगा कि एक मुसबत ऐसे जरिए के थ्रू कि जिसमें वाकई वो सच्चाइयाँ हैं वो लाइफ की उनकी स्ट्रगल हैं, वो रियल स्टोरीज़ हैं कि जो आपको वाकई रियालिटी में बड़े पर्दे पे भी नजर आएंगी और आप मेरा उसको शायद टेलीविज़न के ऊपर भी करेंगे जी 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 तो वो बिग लॉन्चिंग होगी लिए फेस्टिवल में भेजेंगे तो टेलीविजन पचास साल माशाल्लाह मुझे लोग यू देखते हैं अच्छा तानू पंचा मैंने कहा चौहत्तर में ज्वाइन किया थे हिसाब लगा लो <laughs> आपके आने वाला है बट आई इन्जॉयड पी टी वी थरली एंड दे ट्रस्टेड में देखें जब मैंने ज्वाइन किया चौहत्तर में असलम अज़र वाज द चेयरमैन आगान नासिर वॉज द डायरेक्टर प्रोग्राम जमान अली ख़ान वॉज द जनरल मैनेजर ऑफ लाहौर सेंटर अब मेरे साथ कौन कौन लोग थे वहाँ पर सायरा काजमी अच्छा उसके बाद मैं खुद था वहाँ पे उसके बाद हमारे बड़े बड़े जो ड्रामा के शहजाद खलील साहब वहीं थे यावर हयात वहीं थे नुसरत ठाकुर वहीं थे कमर ऑफ़ ताव जी एम एट दैट टाइम तो मैं जब गवर्नमेंट कॉलेज में पहले मेख्या वहाँ से थोड़ा सा आपको बता दूँ जी, जी। शुएब हाशमी साहब हमारे उस्ताद थे जी सी डी सी के वो प्रेसिडेंट थे मैं उस्मान पीरजादा सलमान शाहिद अरशद महमूद अच्छा नैरा एन सी ए में होती थी वो सलीमा हाशमी जो उनकी बेगम है उनकी स्टूडेंट होती थी तो बड़ी दोस्तियाँ हमारी थी सारा दिन तो हम हाशमी साहब के साथ ही फिरते रहते थे तो उस वक्त वो कह रहे थे सच गप सच गप मैं आपको बताऊं कि उसमें बड़ा ही मज़ा आया मेरा आखिरी मैं वैसे गया हुआ था तो नैरा बस सिंगिंग तो वो आखिरी प्रोग्राम था दैट वाज अ उनको ट्रिब्यूट था पी जो आ रहे थे 1974 में अच्छा ब्रिगेडियर आतिफ साहब हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं आपको पता है बुशरा के वो पुप्पा भी हैं बिल्कुल और परवीन आतिफ उनकी बेगम है तो परवीन आतिफ़ उस प्रोग्राम में आई हुई थी ट्रिब्यूट था उन सबको अच्छा अब देखिए फैज़ साहब के कमाल देखो मैं उनके हाथ चूमने को मेरा दिल किया जब वो लिख के लाए उन्होंने लिखा पी के लिए मगर from a point of view of a sipahi ki biwi ke point of view se ab dekho sher dekho wo kehte fajar udi ka shaam udi ka aankhe te sari umar udi ka aan gawan di diye bal de rabba saada chaanan kal de saada chaanan kal de rab vasda jag vasda main vi vasan ve pardesiya teriyan kidre na paindiyan dasan क्या खूबसूरत क्या खूबसूरत सिपाही की बीवी के पॉइंट नैयरा ने गाया और नैयरा ने इतना खूबसूरत लोगों के आंखों में से आंसू निकल आए थे उससे ये तो वैसे ही मैं आपको बता रहा था तो मैंने जब ज्वाइन किया तो असलम अजर साहब और ये सारे तो सर उस टाइम तो माशा मतलब ये उस दौर के पाइनियर्स कहेंगे इनको कि जो अपनी फील्ड में बहुत जबरदस्त काम कर असलम साहब के बारे में कुछ प्लीज बताइए अच्छा अब वो किसी सिफारिश में बिलीव नहीं करते थे अच्छा अब वो इंटरव्यू कैसे करते थे बैठे में पाइप लगा हुआ ऐनक यहाँ रखी हुई है तो जो भी है एक खातून आके बैठ गई तो उसने कहा जी हाँ आपका नाम जी मेरा नाम मुनीजा फैज़ आपके वालिद फैज़ अहमद फैज़ अभी इन्होंने यूँ करके गौर से देखा <laughs> क्या करती हैं उसने कहा जी मैंने बी ए क्या कॉलेज से सिक्सटी सेवन में और मैं पी टी वी में एज प्रोड्यूसर आना चाहती हूँ ऑन आप कौन है जी मेरा नाम है जी आ, मैं मोहनी हमीद की बेटी हूँ और आ, कमल हमीद मेरा नाम है और वालिद वालिद मेरे हयात नहीं है इन्होंने देखा कमल को साइन कर दिए जाहिर है कमल नसीर हमारी फेमस जी, जी। जो कितने साल जिन्होंने काम किया बिल्कुल सर आप कौन है जी मैं शमीम अहमद चमीम हिलाली की मैं बात करूं। वालिण वालिण कर रहा हूँ आपके वालिद जी वालिद मेरे बैंकर हैं मेरी वालदा जो है वो प्रेसिडेंट है यूनियन की बैंक्स की तो कनेट कॉलेज से मैंने एम इंग्लिश अभी किया गवर्नमेंट कॉलेज एम लुकिंग फॉर अ जॉब सारी की सारी कनेट कॉलेज की नाइनटीन का जितनी क्लास थी इंक्लूडिंग राना शेरवानी राना शेख जो एम हमारी बनी सारी एक ही वो में आई और कितने अच्छे लोग आए असलम साहब को मैं दाद देता हूँ कि उनकी चॉइस ऑफ पीपल यूँ देखते थे एन के यहाँ रख के और ही यूज टू से डन अच्छा उनको प्यार और मोहब्बत या नफरत एक सेकंड में मतलब एक कोई कुट जज देखो ना फेस रीडिंग में तो माहिर थे उन्हें पता लगता है ये काम नहीं चलेगा इससे लिहाजा बेहतर है कि ये <laughs> गोली हो जाए तो अच्छा है तो ऐसे लोग थे वो अच्छा फिर उसके बाद मैंने जब पीटीवी ज्वाइन आपको मैंने बता दिया कि उस वो वो कर लिया था अब हम आते हैं नाइनटीन एटी लाहौर सेंटर में था अच्छा उस वक्त कमर आफ्ताब जी आ, आ, आ गए थे इट वॉज़ अ ड्रामा प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे तो उन्होंने कहा देखो नजम तुम्हें मैं एक बात बताऊँ आपस की बात है मैंने कहा जी बताइए अच्छा मैं तो इतना वो था आ, क्या कहते हैं जंग किस्म का दीवार मुक्का मार के मैं दीवार तोड़ मतलब ऐसा एक जुनून होता था तो कहते तुम्हें टिप तू मैंने कहा जी दीजिए कहते हैं कि देखो यहाँ पे सारे ड्रामा प्रोड्यूसर्स है साहरा का है शहजाद खलील है मैं खुद हूँ अच्छा उसका यावर हयात है नुसा ठाकुर है और तुम तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा ये सर ये तो वही मेरा ख्याल है साल है गालिबा जिसमें वारिस ड्रामा जी वही 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 वाला मैं बताता हूँ कैसे हुआ ओके okay. अच्छा मैंने कहा जी कहते तुम म्यूजिक ले लो मैंने okay. कहा दे दें कहते कि आज से मैंने कहा जी अभी से तो उन्होंने फौरन सर्कुलर निकाला और सर्कुलर नेक्स्ट डे मुझे याद है वो मेरे हाथ में था और मीटिंग थी मंडे को हर मंडे मीटिंग होती थी प्रोड्यूसर्स की इन्होंने कहा जी ख्वाजा नजम इज़ नाउ डूइंग म्यूजिक और हम 1981 अक्टूबर अक्तूबर का इन्होंने लॉन्च करना था अपना वो नया 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 प्रोग्राम क्वार्टर उस okay. क्वार्टर में इन्होंने कहा कि हम आठ बजे से नौ बजे तक चलेगा अमजद इस्लाम का वारिस और साढ़े सात से आठ बजे चलेगा ओ, तो मैं <laughs> मैं अपना वो करा था तो और वो ख्वाजा नजम करेगा हैज मैडम नूरजा कहते नहीं हमने तो लॉन्च कर दिया अब आपकी आप जो मर्जी करें अच्छा मैं तो यूं हो गया आई वो स्टंड मैडम नूरझा अठारह हजार रुपए गाने के पंजाबी फिल्में आपको पता है सारी पीक पे थी मर, सर बिल्कुल पीक पे अंजुमन के जितने गाने थे वो मैडम करती थी और मैडम की बड़ी फेवरेट भी थी अंजुमन अच्छा उन्होंने मैडम ने कहा कि आ, मैंने उनको बल्कि फ़ोन किया अब मैं मुझे अपनी मुसीबत पड़ गई मैंने मैंने कहा अच्छा एक शर्त है मुझे फरुख बशीर साथ दे दीजिए ताकि वो भी म्यूज़िक का है हम आ, एक ही कमरे में बैठेंगे सारा काम ख़ुद ही इकट्ठे होगा कहता ये आपको हमने दे दिया अच्छा अब मैंने फ़ौर कॉल किया इससे पहले मैंने इसी म्यूज़िक में फरीदा जी का एक गाना किया आ, गा, वो अथर नफीस का प्रोग्राम था सुखनवर मुझे मिला था तो मैंने फ़रीदा जी को कॉल की तो वो आई अच्छा कॉरिडोर में उनकी आदत है चाबियाँ घुमाते हुए हमिंग करती हुई ऊंची ऊंची अच्छा अब वहाँ पे मास्टर मंजूर ने वो बनाया था वो इश्क़ जो हमसे रुठ गया अब उसका हाल सुनाए क्या तो वो वहाँ पे बैठी हुई थी और आई तो उन्होंने इश्क मास्टर मंजूर ने ट्यून सुनाई तो कहते हाई बड़ी ठंडी टी अच्छा इन दोनों सिंगर्स में और रोशनारा बेगम में इनमें ये एक बड़ी अच्छी आदत है कि ये हमिंग करके देखती हैं ये किस राग से कहाँ गया है बिल्कुल अच्छा मैं क्या स्क्रिप्ट मैडम कह बड़ा खपाण गया के बाद ही देखी जाएगी मैं रट्टा माँ इनको याद हो जाता था अच्छा ये तीन वाहिद हैं बड़ी बड़ी इकबाल बहनों मैडम नूरजहां फरीदा जी और ये कभी इन्होंने कोई ना इनकी कोई बेटी ना इनका कोई बेटा ना इनकी कोई खाला ना इनकी कोई नानी या ना इनकी वालदा खुद अपने बिजनेस को डील किया करती थी ये चारों और मजा लिया कभी इधर से उधर हो जाए कोई फ्लॉ हो उसमें कभी नहीं कभी इतनी मैं तो इनको क्विंस से लिए कहता हूँ अच्छा जी अब वो उन्होंने आ, कहती हाई बड़ी ठंडी बहारन में कहा मैडम ये तो चलना है अब <laughs> कल आ, अभी इसकी वीडियो भी होगी और फिर उन्होंने करना पड़ा अब वो देखो एक तन हाय की जो सारे बदन में फैल गई जब जिस्म ही सारा जलता हो फिर दामने दिल को बचाए क्या ये था अब ये नेक्स्ट से जब चला तो तो धूमे मच गई अथर नफीस की कॉल आई फरीदा जी आपने तो गजब कर दिया और ऐसा देखें फरीदा जी जो है ना उनमें कईयों सिंगर्स की खूबी होती है इनका जो बेस है ना वो कहती है मेरे उस्ताद ने दस साल लगाए थे मेरा बेस जो जो नीचे नीचे जो कह, कहती है ना और कहती भी ऑफ बीट गाती हैं फरीदा जी मगर सम के साथ गाती हैं और बड़ा मजबूत गाती हैं बहलावे ही है। तो उनके चीजें तो वो मतलब गूंद के गाना जिस तरह खूबसूरती से खूबसूरती आप कह लीजिए कि अपने आप को उसमें उस्ताद ने दस साल लगाए थे मेरा बेस बनाने में बेस जो होता है नीचे जो गायकी होती है ना उसको बेस कहते हैं तो वो सुपरहिट हुआ तो इनको बड़ा अच्छा लगा इन्होंने मैडम ने भी भी तारीफ़ की तो उसने कहा जी नवा मुंडा आया है ख्वाजा नजम बड़े ही चंगे तो ज़रूर काम करना अच्छा जी मैंने उसका फ़ायदा उठाया मैंने इन्हें कॉल की मैडम को तो कहती आज तो ते मेरे तीन गाने ने इस तरह करो कि तुम बारह बजे आ जाओ अच्छा मैडम को पता था कि आप आ... मैंने नाम लिया अपना मैंने बताया है। कहती हाँ फरीदा ने मैंने गाल की है बिल्कुल उसने कहा था बड़ा अच्छा नवा प्रोड्यूसर आया आप ज़रूर काम ओके जी नाम ओके। काम करना अच्छा जी अब मैं फ़ारुख़ के साथ अपनी टूटी हुई हमारी टी की गाड़ी लाल अभी भी मैं भी जब मैं रात गए करने गया ना पिछले महीने वही गाड़ी मुझे लेनी लाहौर सेंटर तो मैंने कहा वही ये तो इतनी गाड़ी वो है प्राइस गाड़ी जो मैडम नूरजहाँ के घर गई हुई थी उसी तरह उसी तरह गाड़ी मुझे बड़ी खुशी हुई कि कम से कम कोई चीज तो हमने <laughs> नहीं चेंज कर ली <laughs> तो हम जब गए हॉर्न बजा ड्राइवर ने बजाया तो मैडम का वो आया गेट का जो होता है चौकीदार उसने खोला हम अंदर गए मैं और फ़रुख अच्छा अब हम अंदर घुसे तो इट वाज लाइक अ पुरानी फिल्म अगर हमारे जो देखने वाले उन्होंने देखी उनकी अंदाज और दीदार जिसमें दिलीप कुमार और राज कपूर और नरगिस थे तो उसके अगर आप अंदर एक्सटीरियर नरगिस का घर दिखाए ना तो बहुत ह्यूज हॉल सा है और सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं नर्गिस के बेडरूम जो मैडम के घर जाती अच्छा और बड़े बड़े पोर्ट्रेट्स मैडम के ब्लैक एंड वाइट जो उनके बेटे अकबर रिजवी ने बनाए बड़ी खूबसूरत बड़े हसीन अच्छा अब मैं तो यूं ही देखता रहा तो पीछे से म्यूजिक बज रहा बाबा जी उनके जो उस्ताद गामा गुलाम मोहम्मद उनके उस्ताद वो बजा रहे थे और साथ मनो भाई जो मैडम का कॉर्ड्स देते हैं मैंने कहा कहते जी देखो जी मैडम का फरमान है कि 24 घंटे यहाँ मौसीक बजनी चाहिए और वो हो जो भी राग है आप वो वाला राय जो इस यानी अगर सुबह है तो okay. मॉर्निंग में भैरों है हाँ. शाम है तो ऐमन है मतलब इस तरह के राग वक्त की मुनासबत से हाँ वो आप बजाएंगे कोई ज़रूरी नहीं मैं आके आपके पास रियाज करूँ मैं अगर मैं डोई फेर रही हूँ किचन में खड़ी होकर तो साथ साथ मैं अपना गला साथ साथ करती जाती हूँ ताकि शाम की जो मेरे तीन गाने हैं वो कम अज़ कम निखर के आएँ अच्छा जी अच्छा ये मैं मेकअप कर रही हूँ तो अब वो उनका जो फरमान तो वो तो उन्होंने जाहिर है मानना था तो ऊपर से कोई बारह बजे चाबियाँ घुमाती वही स्टाइल फ़रीदा जी वाला हम करती हुई छन 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 नीचे उनके पज़ेबों की आवाज़ इंसान तो वैसे शहर में हो जाता है इतनी क्वीन हमारे सामने आ रही है और हम एक यंग प्रोड्यूसर टीवी में जिनकी कोई मतलब गुड फोर फाइव कई उस वक्त फ़ाइव होते थे ना मेरी सोलह सौ तनख्वाह थी उस वक्त आ, oh मेरी और फरूख की मगर वो इतना था हमारे माशाल्लाह बरकत थी कि हम रोज जा मैं और मैडम और हम सारे रात को तुंग फुक एक वो था चाइनीज़ रेस्टोरेंट मेन बोले वार्ड पर मैडम के घर के करीब ही तो वहाँ स्टीव होता था उनका बड़ा मशहूर हो अभी भी मुझे मिला एक दफ़ा पीछे तो वो होता था रात के दो बजे जब हम रिकॉर्डिंग ख़त्म करके जाते थे तो सारे सोए होते थे <laughs> उस वक्त खाना पकता था उस वक्त खाते थे पाँच बजे हम वहाँ से निकला करते थे तो ऊँटते कॉफ़ी का टाइम हो गया ख्वाजा जी चलो हुमैरा चलने वहाँ हमारा एक रेस्टोरेंट खुला था नया वहाँ कॉफ़ी पी पाँच छः बजे अजानों पर हम वहाँ से निकल के घर मैडम को ड्रॉप करके घर जाते थे इतना अच्छा वक्त गुजरा हुआ नीलो भी वहीं आ जाती थी अच्छा फिर उसके बाद जुमरत भी वहीं होती थी सारे अब यू नेम मैन यू वन दे बहुत देर शान बाइसिकल पर आया करता था उस वक्त छोटा सा था घर करीब ही था उसका तो बहरहाल उन्होंने आई नीचे तो मैंने सलाम किया तो जी क्या मैंने कहा जी प्रोग्राम तरन्नुम करना है नाम तो बड़ा अच्छा है तो मैंने कहा जी मैडम इसमें क्या होगा मैंने कहा जी इसमें आपकी दो नई गज़लें होंगी वो कौन करेगा मैंने कहा जी वो करेंगे उस्ताद नजर हुसैन वो तो बहुत अच्छे हैं मैडम ने भी काम नहीं किया था उनके साथ और उसके अलावा मैंने कहा जी दो आपके पुरानी जो गाने मतलब लाखों में एक है जितनी टॉप की उर्दू के वो री रिकॉर्ड करेंगे और दूसरा जो है पंजाबी का जो आजकल के भी राय जो लुड्डी हे लो हो गया या इस तरह के जो गाने तो बड़ा खुश हुए ऐत बड़ा चंगा ऐसो ऐत सारा हो गया तोरमे के दोग तो का <laughs> मतलब होता है अब बताओ ना पैसे मैं तो अठारह हजार रुपए गाने का ले रही हूँ छे का एडवांस ले तोरमे तोरमे कहते हैं तोरमे हाँ उनकी जबान है अच्छा हम उसी में आपस में बात करते हैं ना तो उसी लैंग्वेज में बड़ा ही मजा आता है किसी को पता ही नहीं लगता अच्छा उसने क्या किया मैडम ने कहा कि मैंने की क्यों दिए हो गए मैंने मैं मैं बड़ा जहीन हूँ मुझे एक एक इंसान के अंदर होती है ना सिक्स सेंस हाँ जी मुझे पता था ये कॉन्टैक्ट टाइप करके लेके जा नजम वरना बाकी जो है ना ये सारी चीज़ें वहीं रह जाएंगी मैं कॉन्टैक्ट टाइप करके लेके गया तो मैंने कहा जी ये साढ़े तीन हज़ार इधर इत खाजा जी मेरी लिपस्टिक भी नहीं आंदी सोलह हज़ार लह रही तो मैंने कहा देखिए ये फरीदा जी ने आपको बताया होगा उनको भी यही मिलता है मैदी हसन साहब को भी मिलता है तीन हज़ार पाँच सौ रुपये आपको प्रेजेंट पाइड परफॉर्मेंस की फीस होती है जो जिन जिनको मिला होता है यानी मुझे भी मिला है तो अगर मैं कोई जाऊँ तो मुझे पाँच सौ रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे बाहर वो टाइम टेलिंग यू तो उस पर वो देखती नहीं पहले अच्छा उसके बाद फिर कोई है तेरक पेन मैंने कहा पता नहीं उन्होंने मेरे मुंह पर <laughs> मारकर पहनना मैंने पेन निकाला जेब से दिया उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट निकाला उसको साइन कर दिया इट वॉज लाइक विनिंग ऑफ बिल्कुल सर उस साँग मुझे साँग लगता है मेरी लॉटरी निकल मैंने और फरूख ने हमने बड़के मारी ना उस वक्त बाहर निकल के तो उसके बाद कहती मगर मेरी एक शर्त है अच्छा अब मैं एकदम रुका पॉज मैंने कहा जी कहती अगर मुझे अपनी शक्ल पसंद ना आई मैं उसी वक्त छोड़ के चली जाऊंगी मैंने कहा जी मतलब लुक्स पे कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं भाई बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल भी नहीं क्योंकि माशाल्लाह जिस तरह का उनका एक अपना एक आपस कह लीजिए कि आज दिन तक भी अगर आप उनकी वो उस टाइम के गाने देखते हैं सुनते हैं तो कहीं ना कहीं आप उस कशिश में उस शहर में वो है आप बिल्कुल तारीफ हो जाए अच्छा तो जी अब देखें आ, जो कमर आफ्ताब ने कहा था कि अक्टूबर में अक्टूबर के एंड उन्नीस में आठ से नौ बजे तक चलेगा कैसी आ, मुझे वो कर दिया आसानियाँ कि उन्होंने साइन भी कर दिया सिर्फ एक शर्त लगाई कि अगर मेरी शक्ल अच्छी नहीं आई हफ्ते के बाद वो आई है टेस्ट देने। इस एक देने मैडम एक दफा कमिट कर लेना दुनिया की कोई ताकत उन्हें नहीं रोक सकती अच्छा अब वो आई हैं और उसका कलर आ गया हुआ था एक्टिव वन की बात करो सामने मॉनिटर बहुत बड़ा मॉनिटर कलर का था और उन्होंने टेस्ट एक एक छोटी सी कराई अब मैं हेडफोन उतार के नीचे हूँ कंट्रोल रूम से तो कहती हैं कि मुझे लगा शी वॉज नॉट हैप्पी तो हुँ। कहती हैं कि कितने तड़े कैमरा मैन उन्होंने बुलाओ सारे आके यूँ खड़े हो गए कहती हैं आपको पता है मैं कौन हूँ मैं वो सिंगर हूँ जिसने नौशाद अली के साथ जिन्होंने मुग़ल आजम और जिन्होंने मदर इंडिया में मौसीकी दी मैंने अनमोल घड़ी में उनका गाना गाया हुआ मैं वो एक्ट्रेस हूँ जिसने आ, उनके साथ उनके जो इसके जो डायरेक्टर थे इस फिल्म के महबूब खान उनके साथ मैंने काम अनमोल घड़ी में किया मैं वो एक्ट्रेस हूँ जिसने सबसे पहले फरीदो निरानी जो कैमरा मैन थे पारसी उनके साथ काम किया मुझे कोई बेवकूफ़ बना सकता है अच्छा अब ये कितना अच्छी बात उन्होंने की वहाँ खड़े होकर काम उन्होंने कहा देखे जो मुझे पता है आप किसके शागिर्द हैं आप नबी अहमद के शागिर्द हैं ना सारे आ, उन्हीं के सिफारिश पे आप आएँ नबी अहमद उन्नीस में जब मैंने चनवे डायरेक्ट की तो वो थर्ड असिस्टेंट होते थे मेरे ये लाइटिंग है अच्छा अब खड़ी होगी वहीं जहाँ पे खड़ी हुई है ना इन्होंने अब पीछे से कहा कि लाइट हाँ जी अब देखें मेरी कितनी डबल चेन आ रही है यहाँ पे शेड दें जी मेरे इधर अच्छा उसने शेड दिया पीछे से बाडोर बंद कर किया तो चिन्ह ख़त्म अच्छा वो सा देख रही अच्छा जी पीछे मैंने दे ये जो आपका होता है वाइट वो बैक लाइट हाँ बैक लाइट लगाएँ और ऊँचा करें जब वो देखती है नहीं बालों पर जब हाईलाइट हुए बस यहाँ रखें अब एक जो है कैमरा से कहती हैं अब एक लाइट सिर्फ मेरी साड़ी पे अच्छा अब एक लाइट जो है ना बेबी वो सिर्फ मेरी आंखों पे जानी चाहिए मैंने कहा वो क्यों <laughs> कहती इस वक्त मुझे दिल में मेरे बड़ी आपको कोसने को दिल कर रहा था मगर आपको पता नहीं लगा अगर आप मेरी आंखों में गौर से देखते ना वो रूह की गहराइयों तक चली जाती है ये विंडो सोल ये मैंने कहा सर बिल्कुल ऐसा ही तो अब वो जब लाइट हो गई और वो बेबी लाइट जब इन्होंने रखी मैंने कहा ये पता नहीं क्यों रखी इन्होंने तो मुझे उसका फौरन हल मुझे मिल गया उसका रिजल्ट आया जिस दिन हम कर रहे थे वो गाना जो है लाखों में एक का चलो अच्छा हो तुम भूल चलो अच्छा हुआ तुम उस दिन मैडम की दोनों बेटियां भी आई हुई थी तीनों तो वो बैठी हुई थी सामने और ये इजाज़ साहब पर पिक्चराइज आपको पता हुआ बिल्कुल अच्छा अब वो मैडम बड़ी जज्बाती हो गई थी तो जब वो गाना हुआ तो उसके बाद कहती खाजा जी इस तरह करो यदि आखिरी अताई अस्थाई और संचाई ना लास्ट वो दोबारा कर ले मैंने कहा जी अच्छा मैं ऊपर गया हेडफोन मैंने पहना तो मैंने देखा अंधेरे में ना मैडम ने जाके ना आइज़ में कुछ डाल रही थी ग्लिसरिंग डाली आके जब खड़ी हुई ना अब ये छोटी बेबी लाइट यहाँ है अब इन्होंने यहाँ से शुरू किया चलो अच्छा हुआ

21 सितंबर 19 को इनकी कॉल आती है मुझे बीमार थी मैडम चो, चोड़ छोड़ के चली गई थी तो कहती मेरी सालगिरह है पता नहीं हो सकता ये आखिरी हो तो मैं तुम्हें टिकट भेज रही हूँ नजम और साथ तुम्हें मैं पीसी में तुम्हारा मैंने हुमा से कहा है वो करा रही है तो तुम्हें टिकट मिल जाएगा तुम आ जाओ अच्छा मैंने वो बेक सब हमारे एम होते थे मैंने कहा जिस तरह मैडम टिकट भेज रही है और ये ये दो की बात है उसको एम होते थे कहते वो क्यों भेजेंगी तो बड़ी बेजती हो जाएगी कि पीटीवी में ख्वाजा नजम है इक्कीस साल उसने काम किया तो मैडम उन्होंने मुझे टिकट दिया आई स्टेड इन पी सी वेंट टू हर आखिरी वो उनकी वो था तो बैठी हुई थी और मुझे कहती अब मैं तंग आ गई उन्होंने यहाँ से यूँ उठाया इतना बड़ा वो डायलिसिस होता था ना मैडम का जी, जी बल्कि एक दफ़ा ये हुआ कि खुद ही बता रही थी उस दिन कि बीच में पर्दा था इधर नुसतफ़त अली था इधर मैं हम दोनों गप्पे में हमारे दोनों का डायलिसिस इकट्ठे हो रहा था अच्छा अब वो उठ के ज़रा अंदर गई हैं तो जाहिर है खाना भी खाना था मैं बैठा हुआ गप्पे मारा तो साथ ही बहुत बड़ी मस्जिद है उसके मज जो थे इंचार्ज वो आए हुए थे इनको सालगिरह का तोहफा तो मेरे से पूछा आप कौन मैंने कहा जी मैं ख्वाजा अरे आप हैं आपकी तो मैडम बड़ी तारीफ करती हैं अब मैं आपको बताऊँ आज मैडम खाली हाथों पर जाएंगे मैंने कहा जी कहती जब ये आई थी चार साल पहले तो इन्होंने मुझे बुलाया इन्होंने कहा कि मैंने इतने रोज़े नहीं रखे इतनी नमाजें नहीं पढ़ी तो मुझ पर क्या वाजिब है कहते जी मैंने कैलकुलेशन की तो मैंने कहा मैडम

आज के दिन मैडम की सालगिरह वो सब की छतें डल गई थी देखे, देखे, इमेजन देखे, अच्छा देखे, अब मुझे अंदर लेके गई है कहती नजम आ, ये देखो मैं कफन अभी गई भी थी हज करने तो ये आबे जमजम में पड़ा मैंने अपनी बेटी से कहा इंतजार ना करना किसी का मेरे बेटों का या कोई फ्लाइट लेट हो जाए उसी वक्त मुझे दफना देना देखिए कैसी उनको अल्लाह तारा ने देखे जब सारे कुछ जब चीजें होने लगती हैं ना तो हर चीज यूं करके स्मूद होती जाती है तो उन्होंने क्या क्या कहते हैं उससे बेटी से कहा और मेरे सामने कहा कि मैं चाहती हूँ नजम ये मैं आराम से चली जाऊँ अच्छा अब ये हुआ कि दिन का तो किसी को नहीं पता होता बिल्कुल सत्ताईसवीं तेईस दिसंबर की बात है 2000 की तो मैडम को मैं हम तो 21 सितंबर को उनका दो था तीन महीने के बाद तो इनकी हल्की सी कहती मेरी पेन हुई तो हिना को कहा तो उसने कहा कि इसको ले जाएं अपना उनका जो मैडम का दूसरा दामाद है आ, क्या नाम है जो हॉकी का हैं चैंपियन उसको सरदार हसन सरदार को कहा तो वो इनको उससे कहा आंटी बैठे अच्छा अब ये बैठी हैं गाड़ी में इन्होंने नीचे किया वो शीशा नहीं होता इन्होंने अपनी लिपस्टिक देखी रूज देखी बैठी पर्स में डाला बैठ गई अच्छा वो आ गया जो हॉस्पिटल है वहाँ पे वो फ़ौरन आ गया पंद्रह मिनट में तो वो आए व्हील चेयर ले क्योंकि डॉक्टर तो मैडम के अपने ही होते हैं आगा ख़ान हॉस्पिटल की बात करो तो वो गया हसन सरदार पार्क करने वो व्हील पे अंदर लेके गए और जब ये हसन सरदार अंदर गया तो डॉक्टर कहते हो तो चली गई तीन बजे का टाइम था उसने फौरन हसन सदार ने कॉल की हिना को कि वो तो चली उसे को फ़ौर ले आइए उसने उसी वक्त खुशी गुसल खुद किया उसको वही पहनाया वहीं चरपाई जो आए थे मम्म जिन्होंने सारे उनके बनवाए थे उन्होंने रोज़ा खुलने के बाद सबसे पहले उनका पढ़ाया ये है मैडम की कहानी देखिये कितने यानी आप लोग शायद लोग बड़ा कह वो जी फ्रिवल्स फलाना ऐसी फजूल बातें करते हैं मगर मेरी निगाहों में देखें मैंने इक्कीस साल काम किया और देखें मैंने वो आखिरी दम तक उनकी मैं खुद यानी वहाँ पर भी गया उनके आपने उनकी जिंदगी का वो पहलू बेसिकली देखा हर किस्म का और क्लोजली ऑब्जर्व किया कि जो शायद अच्छा एक और बात मैं आपको बताऊँ ये चीज़ें दोबारा मेरे ख्याल है कभी होंगी नहीं मैं एक और जल्दी से बता दूँ जी जी मैं एक प्रोग्राम कर रहा था पचास मिनट राहत काजमी के साथ अच्छा लुत्फुल्ला साहब बड़े हमारे फेमस कराची के हैं जिनका वो लोगों के इंटरव्यूज करते थे अच्छा फिर उन्होंने पोस्टर्स कलेक्टर वॉज अ कलेक्टर वज अ ग्रेट कलेक्टर उनके स्टूडियो में कोई ऐसा बंदा है जो नहीं गया हो आई डोंट थिंक सो अच्छा अब वहाँ पर इन्होंने हमने कहा रात से राहत ने कहा कि लुफ्फुल्ला साहब हम ये पचास मिनट प्रोग्राम शो एक है तो वी वॉन्ट मोहतार बेगम फरीदा जी की जो बड़ी बहन जी हैं जी 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 बिल्कुल उस सब तो हयात थी जी दिस इज़ वे बैक इन 83 थ्री तो एटी टू एटी, एटी, एटी थ्री हाँ तो मैं और राहत हमने सोच उन्होंने कहा जो जा आप आ जाइए बी जी से बात होगी बेगम मुख्तार से हम दोनों उस ज़माने में नई नई चलती थी वो एक्सप्रेस लाहौर से कराची ट्रेन पर हम उस पर गए शालीमार एक्सप्रेस कहते थे उसको वी वेंट रात को दस बजे वहाँ पहुँचे लुफ्फुल्ला साहब लेने आए थे सायरा काजमी भी लेने आई हुई थी कैंट स्टेशन पे। वी जस्ट वेंट और उनके घर सीधा हम कह चलें उनके घर चलते हैं अच्छा बहुत बड़ी मस्जिद थी साथ और बीबी जी का इतना सा कॉटेज उसे माने पता ये कोइंस रोड है कराची का सबसे पुराना एरिया जहाँ 1940 में आ, ये रहा करती थी 1940 से और अब तक वहीं थी तो मैंने कहा इतनी बड़ी मस्जिद और बीबी का इतना सा कॉटेज उसने कहा इसकी भी एक कहानी है ये बन नहीं रही थी मस्जिद तो इन्होंने बुलाया जो वहाँ का मोलम था कि तो भाई ये क्यों नहीं बन रही उसने कहा लोग कहते हैं हम उससे तो पैसे ही नहीं हम तो नहीं दे सकते हुँ, हुँ. इन्होंने बुलाया उसे अपने बड़े डायमंड्स दो उतार के दिए इसने कहा इसको आप बेचिए मुझे ना बताइए कितने के जितना भी आता है मैम विलिंग इसको बनाई मगर मेरा नाम ना लीजिएगा उसने जाके बनाई जब कम्प्लीट हुई तो आया उसने कहा फट्टी पे क्या नाम इसने कहा अल्लाह का नाम लिखे मेरा लिखेंगे तो लोग पहले तो कहते पैसे में सिंगर ने बनाई ऐसी तो नहीं कर दे कितनी बार देखें ये ऐसे लोग उसने नाम तक नहीं अपना उस पर आने दिया ऐसे अजीम लोगों के साथ मैंने काम किया तो आप सोचें कि इंसान का जेन तो वैसे ही वो हो जाता है उनको फॉलो करके यानी आई एम सो लकी टू हैव वर्क विद ऑल ऑफ दम इंडीड डी बिल्कुल ऐसा ही है और आई एम सो लकी कि मुझे आज ये बातें सुनने का मौका मिला एंड डेफिनेटली आप लोग भी लकी हैं कि आप लोग माशाल्लाह ये रियल स्टोरीज सुन रहे हैं क्योंकि रियल स्टोरीज तो हम लोग देखते आए हैं वो चाहे बड़े पर्दे पे हों या चाहे टेलीविजन के ऊपर हों लेकिन जो एक रियल लाइफ स्ट्रगल्स हैं एक जो रियल लाइफ की आपकी एक अप्स एंड डाउन हैं उन चीज़ों को भी सारी क्योंकि ये सारी ह्यूमन स्टोरीज जो है्यूमन स्टोरीज हैं और वही बात है कि ये भाई हम मतलब हम लोग कहते हैं जी आर्टिस्ट जो है वो तो कोई शायद और मखलूक है लेकिन हम सब पहले तो इंसान ही हैं और वही सारी चीजें हैं जो कि उनकी जिंदगियों में और हमारी जिंदगी में शायद वो म्यूचुअल है कनेक्टिविटी की हम बात कर रहे थे किस्मत की माशाल्लाह जैसे आपने बात की कि अल्लाह ताला ने कैसे वो एक रस्ते आपके लिए माशाल्लाह आसान किए जी अब तक खुल रहे हैं वो माशाला सफर आज तक जारी और शारी है और एक बड़ी जबरदस्त तरीके के साथ एक शान के साथ जा रही है और मैं अच्छा सर... पैसे कोई इन्वॉल्व नहीं इसमें अगर आप सोचें कि पता नहीं कितना नजम अमीर हो गया या मैं उसी तरह हूँ बट तुमसे बैठे हम कॉफ़ी पी रहे हैं गप मारे उठ के यहाँ से शाम को हम चले जाएंगे कोसार मार्केट तुम तो मैं और अपना हमारे साथ हमारी एंकर होंगी जी आप तो बताएं पर... ना हमारे एंकर कौन है सब हमारे हमारे एंकर हमारे एंकर बहुत सारे हैं मगर वो <laughs> जिनके साथ मैंने बहुत काम किया मिशी और खान।, मिशी खान के साथ तो <laughs> मिशी के बात करें हमारा वो बड़े मजे का सर एक मेमोरेबल सा memorable. एक अच्छा शी इज़ वन पर्सन जिससे मैं कभी मैंने दिल की कोई बात छुपा छुपाने से मुराद है मिशी मैंने ये करना डन एब्सोलूटली डन इतना पुरानी दोस्तियाँ यार टेलीविजन से हमारी जब वो उस सर वो हाँ, भी मैं समझ भरूसा में आई थी जब पहले भरूसा और फिर माशाल्लाह जिस तरह से उनकी एक आपके लिए लाइफ स्टोरी है She's मैं जब है। यहाँ सर आया था मैं अपनी छोटी सी आपको स्टोरी सुनाऊँ तो मुझे भी सारी बात है उस टाइम न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स में मुझे मौका मिला तो अब न्यूज़ एंड करंट अफेयर वाला दिमाग था नहीं तो मैं ज़रा आर्टिस्टिक टाइप गाने फिल्म इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा ज़रा रुझान था या ड्राम की तरफ टेलीविजन की तरफ मैं वो ज़रा नाइन्टीस केरस के ड्ररामाज वो बहुत शौक से मैंने देखे तो उसमें ज़ारी बात है मिशी थीं फिर नादिया ख़ान का हम कैसे जिक्र नहीं करेंगे फिर अमानूर बलोच ये वो मतलब एक्ट्रेस हैं फिर उसके बाद शादिया इमाम आई आमना हक आई वनीज़ा अहमद आई बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ जिन्होंने बेशुमार अच्छा काम किया है उसमें अगर अचानक से आपको पता चले कि आप जिस जगह पे काम करें वहाँ पे तुझी मशी खान मॉर्निंग शो करती हैं तो मेरे लिए तो वो जैसे आपने कहा कि मैडम के पास आप गए तो आपके लिए एक ट्रीट थी आ, कि वो उन सब था? के लिए मतलब मेरी आ, ट्रीट थी आ, फरीदा जी हो गई ये सारे किसी और के साथ उन्होंने काम भी नहीं किया दे आर वेरी यू नो दे वेरी डिफिकल्टन टू वर्क विद मैं रोशन आरा बेगम का आपको बता रहा था अब मुझे याद आ गया कि उनका जिक्र नहीं हुआ तो एक दिन मैं चेहरे मुझे एलोकेट हुआ कमलताब ने किया कि चेहरे मैं लाला मूसा गया किशवर नाहिद और यूसुफ कामरान के साथ अच्छा अब वो बीबी जो है ना वो बैठी हुई इतना बड़ा मटका उसमें रियाज करें मैंने कहा बेगम साहब इसमें कहती अब बाहर लिखा हुआ काशाना है रोशन इतना बड़ा उनके मियाँ की डेथ हो गई थी सतीले स्टेप थे तो कहती हैं कि मुझे ये कहा गया है मेरे बेटों ने कि अम्मी ऊंची आवाज़ में ना गाएं बाहर आवाज मैंने कहा काशाना है रोशन रोशन आ रहा बेगम जो मलका मसी है उसकी आवाज़ बाहर ना जाए तो उनकी आंखों में आंसू थे मटके में वो रियाज करती थी सुबह अच्छा अब बिलियाँ उनकी गोद में यहाँ बैठी होती हैं अब मैंने वो जो उनका किया पूरा प्रोग्राम चेहरे उस पर डॉक्यूमेंट्री थी तो मैंने कहा मैडम एक बात कहूँ कहती क्या मैंने कहा देखें ये अच्छा वो सिगरेट पी रही थी और साथ साथ सुन रही थी और तो बिलियाँ गोदी में बैठी <laughs> मैंने कहा देखें 1932 में आपने 33 में ऑल इंडिया रेडियो जो रायज हुआ है 34 में तो आपने आप कोइन कहलाती थी बिल्कुल ऑल इंडिया रेडियो वो और मलका पुखराज दोनों और इतनी पॉपुलर थी क्योंकि जब ये गई हैं गोल्डन जुबली पे तो हार्स और फूली फूल ही फूल उन्होंने इन, इन पे निछावर, निछावर किया दोनों पे और विच आई एम अ विटनेस टू इट अच्छा फिर वो कहती हैं कि फिर क्या होगा मैंने कहा जी फिर वही रायज होगा ये अब जो आप कह रही हैं ना आप क्लासिकल म्यूजिक का प्रोग्राम करती हैं राग रंग पचास मिनट का अब नहीं होगा या तीन तीन मिनट का कर लेते हैं हम कहती है, क्या मैंने कहा जो दादरे आपने उस सब गाए थे डोले रेमन होले होले ये तो कहती हैं कि अच्छा कहती एक शर्त है मेरी मैं उधर गया लाहौर तो कहती हैं कि देखें अब आएंगे ना शौकत साहब तबले पे वो किसी औरत के साथ नहीं बजाते थे सिवाय रोशन आर के तो कहती हैं उनसे आप मेरी बिलियों के लिए घुंघरू ले कर आएँ और उनको ट्यून करा के लाइएगा शौकत साहब से घुघरुओं को और प्लास्टिक वो जो इलास्टिक होता है ना उसमें बांध के लाइएगा और फ़लानी जगह फोर्ट रोड पे एक दुकान है घुँरुओं की जहाँ से आपको मिल जाएंगे वो ज़ाहिर है वहाँ पे डांसर्स जितनी होती थी वहीं से सारी लिया करती थी तो मैं उधर गया मुझे देख के पहचान गया ज़ाहिर है मैं कहते जी किस लिए मैंने कही घुंगरू बीबी रोशनारा के बिलियों को चाहे हंस पड़ा उसने दे दिया अब मैं शौकत साहब के गया उनके स्टूडियो हंस पड़े कहते बीबी ने मैं कह जी जाहिर है तु उन्ह प्रोग्राम करना है अब हमने उनका प्रोग्राम भी करना था ना इसी शर्त पे एक हाथ दे एक हाथ ले एक हाँ। उन्होंने यही कहा था कि लेके आओगे तो मैं तुम्हारा ये प्रोग्राम करूँगी अच्छा जी वो उन्होंने ट्यून किया इलास्टिक में डाले मैं ले गया तो सामने बैठी हुई थी कहती है लेके आए हो मैंने कहा जी तो एक बिल्ली के उन्होंने बांधे घुंगरू सेट दूसरी के बांधे अब वो जब छाल मार के गई है ना छन 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 तो इनकी आंखों में आंसू मुझे कहती है नजम आज कितने दिनों के बाद मैंने कलकत्ता के बाद आज घुंघरू की आवाज़ सुनी है शी थॉट आई एम बेस्ट फ्रेंड मैं वो उन सबको ना यही होता था कि मैं उनका बहुत बेहतरीन दोस्त हूँ एंड दे कैन कन्फाइड एनी इन मी दिस इज़ वॉट आई लर्न इन टेलीविजन फॉर द लास्ट फिफ्टी ईयर्स सर यही तो माशाल्लाह खासियत है और ये बहुत कम लोगों को अल्लाह की अता होती है कि वही बात है कि जिस पे लोग इस तरह से ट्रस्ट करने लग जाएं कि वो अपनी दिल खोल के रख दें और फिर वही बात है कि उस पे माशाल्लाह आपको क्रेडिट है कि आप किस खूबसूरती के साथ उन किस्सों को बयान करते हैं कि मैंने कोई कागज़ इस्तेमाल किया तो मैं इस चीज़ का जी विटनेस हूँ और आप लोग हमारे लाइव शोज में भी ये चीज़ विटनेस कर चुके हैं स्पेशली जो प्रोग्राम हम लोगों ने के लिए आ, किया था जिसमें हमने बेशुमार फिल्मी सितारों को ट्रिब्यूट दिया उसमें जो किस्से सुनाए और जो मतलब जो खुद मतलब की की हुई चीजें आप आप लोगों को बयान उसके क्या ही कहने सर मैं ये इस चीज़ ज़रूर बात जारी बात है फिर डायरेक्शन प्रोडक्शन बिल्कुल डिफरेंट एक आप के लीजिए फील्ड है लेकिन आ, एंकरिंग मेरा ख्याल है कि ये जो प्रोग्राम था वाद ऐसा था कि जिसमें आपने प्रॉपर एंकरिंग की अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे आप इस पर गाइड भी करें ये एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका ये आ, जो आज सजी आ, है के साथ मसल आ, मैं आपको एक बताऊँ मसला कि मैं एक ट्रेनर हूँ अच्छा अब मैंने जो ट्रेनिंग मेरी आपने अगर मेरा सीवी देखा है तो उसमें तमाम बाहर की ट्रेनिंग मेरे और आई एम द लकीस्ट पर्सन उस एटीज की बात करो उस वक्त जनरल रहमान होते थे इंफॉर्मेशन uh, मिनिस्टर और अब सिंस आई आई वाज वाज डूइंग डूइंग के साथ द मोस्ट प्रस्टिजियस इंस्टीट्यूट दो साल एमस्टर उसके बाद आई वेंट टू एन टोक्यो के टोक्यो फिर ट्रेनर्स ट्रेनिंग ओहाई यूनिवर्सिटी फिर उसके बाद डिज्नी वर्ल्ड में एनिमेशन अब आप अगर देखें और फिर वहाँ पे अपना स्विट्जरलैंड में कमाल है में। सर कमाल है अच्छा एक और चीज़ जो मैं अच्छा उस्ताद हमारा कहता था जी जी यंग जैसे आप तुम यंग आए थे ना मेरे पास शुरू में जी। तो वो कहते थे कि नै उनको बदतमीजी आपने नहीं करनी जो नया बच्चा या कोई स्टूडेंट वो आपसे कभी नहीं सीखेंगे आपसे इसलिए नहीं सीखेंगे वो पीछे हट जाएंगे ये बदतमीज़ आदमी है ये बस रूड है यू कांट देखो एक अमेरिकन आदमी आपको यार पहले दिन ये लेक्चर दे रहा है तो ही वॉज नॉट देयर वो होते नहीं थे कई दफ़ा तो आगे कहते थे दिखाओ आपने आज क्या जो 90 मिनट्स का हमारा सेशन होता था ना तो एड शुरू में जो आपका आता है ना ऑब्जेक्टिव क्या है तो तीन लाइनों में तो वो तो उन्होंने नहीं देखा होता था तो जब एंड में हम सारे जो हमारे प्रोड्यूसर्स यंग प्रोड्यूसर्स आते हैं उनसे हम मल्टीपल क्वेश्चंस देते हैं नब्बे मिनट के लेक्चर्स के बारे में तो उससे रिलेटेड टिक 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 करते जाएं तो उसने एक दिन देखा तो सेट के ये आ, क्या हुआ था एक एक लड़के ने गलत जवाब दिया उसने उसमें नहीं किया तो आज क्या था आपका जरा अपने वो दिखाई अपना प्रजेंटेशन तो उसका मतलब होता है टू बी एट द एंड ऑफ द सेशन द पार्टिसिपेंट विल बी एबल टू एडवर्ब है ना ये बिल्कुल उसको आना चाहिए, आना चाहिए।, चाहिए। आ, अच्छा उस उस दिन क्या था मैंने लिखा था हिस्ट्री uh, ऑफ वो ये जो होते हैं हमारे शॉट्स मुख्तलिफ लॉन्ग शॉट क्लोज ये उसने तो कहा आपको एक शॉट लेना चाहिए था एक आज हिस्ट्री ऑफ लॉन्ग शॉट कैसे होते हैं कैसे बनते हैं कैसे किया जाता है तो आपने पाँचों को ऐड कर दिया तो इससे वो कन्फ्यूज़ हो गए देखो उसको एक मिनट में पता लग गया मेरे उससे अंदाज़ा हो गया और उन्होंने उससे लिखा कि ये इसने आज गलती कर दी है ये हाल है ट्रेनर्स ऐसे होते हैं मैं बता रहा तो तो ट्रेनर का तो कोई नहीं तो नहीं इस मुल्क में नहीं है और मैं यही चीज बोल के आपसे पूछना भी चाह रहा था कि ये सिलसिला तब तक तो राइज था तब तक बहुत सारी ऐसी बहुत ट्रेनिंग्स जो हैं करवाई गई और वो नजर भी आई उस टाइम के काम में जी अनफॉर्चुनेटली जी। अब मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह अब तो बहुत बहुत है। बच्चे हैं जो कि दे टू लर्न आ रहे हैं और वो सीखना भी चाहते हैं लेकिन unfortunately या तो वसाइल की रास्ते नहीं खुले उनके लिए, या उनके लिए। वसाइल नहीं अच्छा अब क्या आप अगर मैं एकेडमी खोलूंगा ना मैं इतने महंगे कर दूंगा उसके रेट्स कि बेचारे भाग जाएंगे तो भाई मैं अगर मेरे बस में हो मैं अगर टेलीविजन में करूं मैं तो आई डोंट चार्ज एनी मनी कहीं भी मैं जाता हूँ मैंने कहा नहीं ये एक ऐसा है कि मेरी वजह से पता नहीं कितने लोगों को फायदा हो जाएगा यूसी

कर लिया और आपने हाँ। बिल्कुल कुछ नहीं कुल... बोला शर्मिंदा हुआ हम <laughs> आप मतलब आपको जरूरत नहीं बदतमीजी करने exactly. की आप क्यों करें exactly. बदतमीजी अगर आप मुनासिब अल्फाज में भी, भी बात हाँ। रख सकते हैं आपको पता मैंने कितने साल आपके साथ काम किया आई डोंट जिसके साथ प्यार हो जाए ना फिर तो पैसे की कोई बुकत तो नहीं। सर वो काम काम भी नहीं लगता। पैसे की कोई नहीं और उसमें ये day, उस दिन हम जाके बैठ गए हम शाम तक बैठे गप्पे मारते रहे तो जी, मैं जी। जी। loved, बड़ा मजा आया सर बस यही तो छोटी छोटी मेमोरीज हैं और थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग ऑनेस्टली अगेन अभी एकदम नहीं चाह रहा मैं चाह रहा कुछ थोड़ा सा हम इन चीज़ों पे भी आएँ कि जो माशाल्लाह एक तो प्रोफेशनल हम लोगों ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गुप्तगु की है आ, मैं चाहूँगा कि कुछ मेंशंस आप उन लोगों के भी करें क्योंकि ऑब्वियसली फैमिली सपोर्ट के बग़ैर Uh, मैं कहता हूँ कि शायद बहुत सारे हम लोगों की लाइफ में ऐसे हर्डल्स आ जाते हैं या ख़ुदा नखास्ता ऐसी कुछ दौर आ जाते हैं कि जिसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा देर के लिए हम हमारी एनर्जी लूज़ हो जाती है या हम थोड़ा सा ये कि अपने आप को कहते हैं कि बस यार हो नहीं रहा उसमें कोई ना कोई लाइफ में कभी कोई अच्छा दोस्त या कोई फैमिली में ऐसा मेम्बर आपका कि जो आपको सपोर्ट कर जाए तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर उनका भी मैंशन कीजिए uh, किस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल सर के जिन्होंने कहा कि नहीं जी आपकी माशाल्लाह जो कई दफ़ा ये होता है ना कि हम अपने आप में ये सोच रहे होते हैं कि यार माशाल्लाह हम तो बहुत या अच्छे तरीके से चीजें लेके चल रहे हैं लेकिन अभी शायद टाइम आ गया है कि मैं थक गया हूँ या मेरे साथ अक्सर कही होता है कि यार अच्छा मैं नहीं थका अभी तक मैं इसका रास क्या है कि ये किस नहीं है मुझे पैसे की परवाह नहीं है मुझे कभी नहीं मेरी जेब में इस वक्त अगर तुम खोलो तो दो रुपए शायद हो आई डोंट केयर मुझे पता है मैंने अब यहाँ से करीम ले लूँगा बेगम से कहूँगा पैसे दे दो मेरा मतलब है मुझे और भी बड़े कई रस्ते होते ना मैं जस के हंस के बात कर ली प्यार मोहब्बत से सो मुझे कभी परवाह हुई नहीं इन चीज़ों की पैसा तो मेरे लिए कभी भी अहम नहीं किया नहीं किया, नहीं, नहीं किया। और कभी अल्लाह ताली ने मुझे उस पर वो जरूरत भी नहीं पड़ी माशा दो बेटे हैं देर और अब्रॉड हमने बड़े अच्छे वक्तों में एटी फाइव में जब हम यहाँ आए हैं तो शादी हुई थी मेरी बेगम और मैं उसको जॉब मिल गई फ़ौरी तौर पे एफ़ सेवन टू में इंग्लिश पढ़ाने की बच्चे छोटे थे मैं और शोएब मंसूर थे ट्रेनिंग में मैंने शोएब से कहा मैंने कहा बेबी बहुत छोटा है जमाल तो शोएब दिन को अगर तुम आ जाओ आफ्टरनून फ़र्त क्लास लेके आएगी तो मैं जाऊँगा तो वो उसने इतना अच्छा शोएब सच ग्रेट फ्रेंड ऑफ माई निसर परवाह ही ना कर मैं दो बजे जाता था निसार मिर्ज़ा साहब हमारे एस कैमरामैन उनको कैमरे के साथ हमने एक्सरसाइज करा देते बारह लड़कों को उसके बाद वीडियो एडिटिंग एंड पोस्ट प्रोडक्शन मैंने ये पहले दिन से डे वन से के बजाय मैं बताऊँ कैमरा है क्या खुद करके दिखाओ और उसको एडिट करो और फिर मैं बैठ के एक एक को बताऊंगा ये एक तरीका बेस्ट तरीका है इसके अलावा और कोई अच्छा तरीका नहीं ये भी मैं आपको बताऊँ फॉर अ ट्रेनर हमारे तो, तो अभी मैं बोलता बिल्कुल ज़्यादा नहीं हूँ क्लास में आपको जो जो चीज़ें स्लाइडों पे आती जाती हैं फिर आदमी कहते हैं बताइए मैंने इसमें क्या लिखा हुआ सो दैट वन हैज़ टू और फिर ये कि आप उसके अंदर आपको बताता अपने को जी। एक ड्रामा तानसन जो मैंने किया अपने रिकॉर्डिंग जो पूरा प्ले बहुत आ, सीरियल था ये जी जी। जिसमें आसिफ रज़ा मिर और ज़ेबा बख्तियार पहली मरतबा ज़ेबा हिना कर रही थी वहाँ पे इंडिया में राज कपूर की तो हसीना ने वहाँ पे इनको देखा और उसको कहा कि हम ये करें तो जेबा वो एक्साइटेड उसके उनके वालद उस बीबी बे की हुकूमत थी तो उसके वो थे अटॉर्नी जनरल या बख्तियार साहब तो वो उनका यहाँ पे वो था तो जेबाई स्टे देर मजा आया उस बच्ची ने कोई पैसे मैंने कहा अकेडमी का कहती आप परवाह ही ना करें शी डेंट चार्ज एनी मानी फॉर देट कैन यू इमेजन बड़ा अच्छा इतना काम है। आप जरा देखिएगा तानसेन को कभी आपको टाइम मिले तो फॉर अ स्टूडेंट ऑफ सिनेमा आप देखिए बहुत सारी सर उस दौर की ऐसी चीज़ें हैं कि जो शायद हम लोगों के लिए ब्लेसिंग इस तरह से ही है कि हम शायद उस तरह से ट्रेनिंग्स तो नहीं ले पा रहे लेकिन वो जो काम मौजूद है उससे वही बात है अगर आप अच्छे ऑब्जर्वर हैं तो यू कैन ऑब्ज़र्व और आप बहुत कुछ सीख सकते हैं उसमें सर रिसेंट टाइम्स में माशाला जैसे आप काम तो माशाल्लाह बेशुमार कर रहे हैं आ, आप लोग आपने माशाल्लाह एक ऐसे आ, मतलब आपके लिए गोल्डन टाइम में और ऐसे लोगों के साथ भी काम किया कि जिनसे शायद आपको बेशुमार चीज़ें सीखने को मिली अब वो दौर है कि माशाल्लाह यंगस्टर्स आपसे माशाल्लाह बहुत कुछ सीख रहे हैं रिसेंट टाइम्स में जो प्रोजेक्ट्स हैं मैं अगर पूछूँ कि उनमें से कौन ऐसी कोई कौन सा ऐसा कोई एंकर पर्सन या आपको ऐसा लगता है कि कौन सा कोई ऐसा स्क्रीन फेस है कि जो वाकई अपनी फुल डेडिकेशन दे रहा है आपके प्रोजेक्ट्स में बेशुमार लोग ऐसे आए होंगे Uh, बहुत सारे हैं नाम अब मैं अगर एक कर लूँगा तो दूसरे, फिर के दूसरे के उनका नाम नहीं ले लिया वो <laughs> बहुत बहुत टैलेंटेड आपने अभी हम बल्कि जब हम चाय पी रहे थे तो आपने उमायमा का जिक्र किया आपने उनका काफ़ी सारे एक्टर्स और एक्ट्रेस का जिक्र किया अभी देखिए उनकी फिल्म कितनी अच्छी गई है तो so well. मुबारक दी उसी दिन मैंने मैंने इसका प्रेस शो देखा था तो मैंने उनसे कहा था कामी कामरान लाशारी मैंने कहा सर बड़ी अच्छी फिल्म बनी कहते पांच साल तो वैसे ही फंसी रही बीच में बट इट वेंट वेरी वेल आई एम सो हैप्पी विद दैट देर आए दुरुस्त आए हाँ जी बिल्कुल लेकिन वही बात है कि वो ऐसी फिर आई कि उसने हिस्ट्री क्रिएट कर दी एंड स्टिल रनिंग इन द सिनेमा हाउसेस अच्छा अभी दूसरा भी ये है। भी है कि अभी भी मैं किसी को फोन उठाऊं ना आपदा किधर हो आ जाओ खा, सर खाना खाएं अच्छा अब बाजे खुल जाते मैं और टीना गए हुए थे अभी पिछले कोई दो महीने की बात है और बाजे खुल गए और दोनों ने गाना शुरू कर दिया कैमरे ऑन हो गए और वो फेसबुक पे चलेगी <laughs> आप सोचिए इस तरह आपदा तो बहुत ही दो इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड और क्या सो बात टीना, है आपदा जी की, क्या टीना बात? सानी मेरे मतलब जो काम जितनी सकते हैं वो मेरे दोस्त बन जाते हैं और बहुत ही जिगरी दोस्त जिस तरह मैंने अभी ये दो नाम लिए आपदा का और टीना का नैरह से बड़ी दोस्ती महनाज अब देखिए अनफॉर्चुनेटली आहिस्ता आहिस्ता सब जा रहे हैं कमल नसीर के साथ बहुत काम किया मैंने अमजद इस्लाम अमजद के साथ अब मुझे नहीं पता होता था मैं मैम आई एम डूइंग अनदर प्रोग्राम अब मैं आजकल सोनो एफएम पे करता हूँ दो घंटे तो माइक के सामने जिस तरह आप और मैं बैठे इस तरह ही कमल बैठी हुई थी अब मुझे नहीं पता नेक्स्ट वीक वो हम इकट्ठे नहीं होंगे या हसीना मोइन इसी तरह आई वॉज रिकॉर्डिंग हर एंड नेक्स्ट वीक शी वॉज नॉट देयर इसी तरह अमजद इस्लाम अमजद कितने लोग बिछड़े वाइल्ड आई वॉज रिकॉर्डिंग दैम आफ्टर अ वीक और सो नहीं पता होता बस वही कहते हैं ना सर यादें रह जाती हैं जी यादें। And, बड़ी अच्छी यादें नॉट ओके अब आदमी रोता रहे नहीं अच्छी यादों से आदमी मतलब उसमें कोई तल्ख बात ना हो और यही बेसिकली एक uh, मैं कहूँगा कि हमारी जिंदगियों का भी एक मोटिव होना चाहिए कि आने तो सब मतलब कहते हैं ना कि आए हैं सब ने जाना भी है और यादों का सिलसिला ऐसा है कि वो जब तक आपकी सांस में सांस है वो सिलसिला कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता वो ताल्लुक़ कभी भी टूट नहीं सकता आपकी सोच जो है कहीं ना कहीं वो आपको किसी ऐसे दौर में भी ले जाती है कि जो शायद आपकी ज़िंदगी का बेहतरीन दौर रहा है और कभी ना कभी शायद आपको किसी ऐसे दौर में भी लेके जा सकती है जो शायद आपकी ज़िंदगी का अच्छा दौर ना हो अब उस चीज़ में से कैसे अपने आप को ओवरकम करना है कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखना है कैसे अपनी लाइफ को आपने कहना है कि भाई अभी तो सफ़र जारी है अभी सफर खत्म नहीं करना और इसी एनर्जी के साथ और इसी खुशी के साथ इसको जारी भी रखना है तो ये जो है हिम्मत को दे और, ये बंधाए यू सो और <laughs> मैं जितना आज अच्छा महसूस कर रहा हूं अल्फाज में बता नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे लिए बड़े ऑनर की बात थी कि मैंने आपके साथ सेशन किया एंड आई होप कि आपको भी मजा आया होगा बहुत अच्छा लगा दो घंटे बोलता जा रहा कोई बात तो होगी ना आपस में एक फ्रीक्वेंसी हिट होती है इंसान की एक है ना चलो सर थैंक यू यकीन कीजिए बाकी कि मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है आई एम होपफुल कि आप लोगों को यह सेशन बहुत अच्छा लगा होगा प्लीज़ आप लोग भी डू सब्सक्राइब द चैनल ऑन द यूट्यूब पॉडकास्ट वराइटी उसके ऊपर ये तमाम जो एपिसोड्स हैं आप लोगों के लिए खास अवेलेबल हैं और अगर उसमें कुछ आप पूछना भी चाहते हैं तो भाई कोई बात नहीं सीजन टू में हम दोबारा भी ये सेशन रख सकते हैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन आप नीचे लिख सकते हैं जाके इसी के साथ साथ ऑन तो इंस्टाग्राम वहाँ पर आप लोग फॉलो कर सकते हैं ऑन फेसबुक जाके जरूर हमारे पेज को लाइक कर लीजिए एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द के टू का जो यूट्यूब चैनल है और के के ऊपर भी अब आप इस पॉडकास्ट को देख सकेंगे तो ये भी आप लोगों के लिए बड़े मजे की जनाब नई न्यूज़ आ गई है सो नेक्स्ट पॉडकास्ट सेशन के लिए uh, मुझे दीजिएगा इजाज़त और रखिएगा अपनी दुआओं में याद और इंशाल्लाह शाला आप आपसे मुलाकात होगी अगर जिंदगी रही और सांसों ने वफा की तो टिल नेक्स्ट शो टिल नेक्स्ट पॉडकास्ट अल्लाह हाफिज इन पाकिस्तान जिंदाबाद